हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे मेरे रहेंगे, रहते हैं हमेशा। आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला अपना इतना मुझे प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं आप सब। लोग नहीं, अपने हैं, हमारे हैं, हमारे अपने हैं। आप सबने हमें एक फैमिली में इतना प्यार दिया है, आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, आगे भी ऐसे ही करें प्लीज, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एटीट्यूड वीडियोस देखने वाले हैं। आपको पता है कि बोला जा रहा है कि वो नेक्स्ट इंडिया के पीएम हो सकते हैं, तो वीडियो के देखने में मजा आएगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने महाभारत स्टार्ट की हुई है, ऐसा है रिएक्शन पे, वो भी जाके जरूर देखना। देखते हैं आज वीडियो। चलिए, जो आपके स्क्रीन पर है ये दिसंबर 2016 की है, कानपुर से चुनाव लड़ रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया था। अतीक के काफिले में 8-10 गाड़ी नहीं थी बॉस, 1500 गाड़ी। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हाल हो रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला लेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और एक बड़ी खबर आ रही है। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अरबाज़ इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है। A sensational encounter this morning. Former MP and gangster Atiq Ahmed's son Asad was killed in an encounter by the UP police in Jhansi. यहाँ पर आपको बैरिकेटिंग फिलहाल नजर आएगी, लेकिन इस वक्त भी बहुत बड़ी खबर है, अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। अतीक अशरफ जी का, वो बहुत बड़े गुंडे थे इंडिया। गोरखपुर में जो मियां बाजार है उसका नाम आप बदल के माया बाजार कर, माया बाजार है उसका नाम, माया बाजार ही है, मियां बाजार बाद में हुआ है, पहले माया बाजार ही था। अली नगर का नाम आर्य नगर है जी, और बाजार का नाम नए उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार है, हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर है, ये सब नाम बदल दिए गए। आखिर हुमायूं से इस देश का संबंध क्या? इस देश का संबंध हनुमान जी से है, हुमायूं से नहीं। अभी तो मोदी जी के हाल है, अरे योगी आ गया, पता ऐसे हो जाएगा। यही लाल किले में योगी आदित्यनाथ कह रहा होगा कि मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन के रहेगा। मैं आदित्यनाथ योगी, तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते। आपने ये, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम, नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश को यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में, नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा एनडीए बता दे। तेरा बाप है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि तेरे पापों का हिसाब है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहा था, उसका इनकाउंटर हो गया है। मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। बोध है, सबका बदला लेकर अतरा आदित्यनाथ योगी।
पर वो कहते हैं कि ठोक तंत्र की सरकार है, आप बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम ठोक देंगे, वो ये कहते हैं। तो आतंकवादियों को आरती करने के लिए तो भगवान ने उनको पैदा ही किया है, और हम लोगों को तो इसी बात के लिए भेजा है कि परित्राण आय साधु नाम और बिना चाहिए से दुष्कृता, हम तो इसी के लिए आए हैं। वो कहते हैं आपका ठोको राज है, बुलडोजर राज है, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज किया आपके लिए, उपयोगी, यूपी के लिए आप बहुत उपयोगी है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बोला। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए जो आवश्यक होगा सरकार वो काम कर रही है जी, सरकार ने वो काम किए हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कार्य करेगी। मेरा नाम बिलाल अहमद। कहाँ से आप? दिल्ली। दिल्ली से। अतीक अहमद का जो अभी मामला चल रहा है प्रयागराज में, बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखो जी, जो क्रिमिनल है उसके साथ सब कुछ हो, यूपी में बुलडोजर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो गलत करेगा उसका उसको तो भुगतान करना पड़ेगा। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं, कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको धुतकारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करने वाले गीत गाने पर पुलिस का नोटिस और पति को नौकरी से हटाए जाने के बाद नेहा सिंह अस्पताल में है। काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। ये हैशटैग जो चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ये रुक भी सकता है। हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं? प्रभाववाद की बात करते हैं?
ये थी आज की वीडियो। तो यार योगी बाबा जो है ना, बोला जाता है कि इंडिया के अगर नेक्स्ट पीएम बनेंगे तो ये बनेंगे, मतलब जैसे नरेंद्र मोदी है ना, ये भी उनकी पार्टी के हैं, बीजेपी के ही हैं। यूपी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं। जो गुंडा राज था ना, पहले ऐसा होता था कि गुंडे जो होते थे ना लोगों की, जैसे यहाँ पे माफिया होता है, वो जो जमीन खाली पड़ी हो तो उस पर आकर कब्जा नहीं कर लेते, वैसे बहुत ज्यादा लोग वहां पे कब्जा कर रहे थे जमीनों के ऊपर। इन्होंने अपने राज्य में आके जो इन्होंने पहले वार्निंग दी कि जो लोग इस तरह से करें वो लोगों के जमीनें वगैरह वापस कर दें, लेकिन वो जो गुंडे हैं ना वो बाज ना आए, तो फिर इन्होंने मीडिया में सामने उनको गोली मरवा दी। वो अभी दो आए भी थे, तीक अहमद और दूसरे, उन्होंने कहा कि अगर नहीं आपने बाज आना, वो वार्निंग दी भी थी तो फिर उनका खात्मा कर दिया। तो बहुत अच्छा किया है ना ऐसे गुंडों का, जो आपके खत्म के आगे से ना करेंगे ऐसे। हाँ, सभी गुंडों को अभी कान हो गए हैं कि हमने ये काम नहीं करना, और योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मुस्लिम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा बंदा है, उसको लाएं। हाँ, वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे बंदे हैं, अगर हमें कोई लीडर चुनने का हक होगा, मतलब पीएम मोदी के बाद, तो वो हम इन्हीं को चुनेंगे। वैसे तो पीएम मोदी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इनको इनकी भी पॉपुलैरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग इनके काम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि यूपी में अमन सुकून हो गया है जब से गया है, वरना पहले गुंडे बहुत ज़्यादा थे, अभी खात्मा हो गया और सड़कें बन रही हैं, मुस्लिम खातून को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं, तो ये बिल्कुल इनका, इन्होंने अपनी जिंदगी में ना शादी की, अपने फैमिली सबको छोड़ दिया, सिर्फ अपने कंट्री के लिए कि अपनी कंट्री को सेवा की जाए, और सबकी सेवा वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।